हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंगेज म्यूजिक प्रोडक्शन। मेरा नाम है जतन और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने अपना ट्रैक बनाया है केसरिया। बेसिकली ये केसरिया का कवर सॉन्ग है, जो वोकल्स हैं वो है विशाल के। तो विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा चलते हैं FL स्टूडियो पे एंड मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया है। तो आ चुके हैं FL स्टूडियो पे, ये है प्रोजेक्ट आपके सामने, कुछ इस टाइप का है। थोड़ा सा मैं इसको एनलार्ज कर लेता हूँ। सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बना रहा था, बेसिकली मैं इसको रीमिक्स कर रहा था एंड यहाँ पे मेरे पास है एकपेला। देन उसके बाद विशाल से बात हुई, विशाल आया, उसने बोला केसरिया ट्रैक करते हैं, मैंने कहा चलो केसरिया ट्रैक करते हैं। सो कॉर्ड्स ऑलरेडी मेरे पास थी। देन उसके बाद यहाँ से विशाल के हमने वोकल टेक्स लिए एंड आप वोकल टेक्स देख सकते हो कितने यहाँ पे हमने लिए थे, 5-6 टेक्स लिए थे। देन उसके बाद उसमें से सिलेक्ट करा जो जो अच्छा लग रहा था वो पोर्शन हमने सिलेक्ट करा है एंड यहाँ पे इस टाइप से कुछ ये को मैं अभी सुनाता हूँ। एक चीज़ और अरेंजमेंट के बारे में बताऊँगा, तो ये टेक्स थे जो हमने लिए थे। देन उसके बाद मैंने इसको डुप्लीकेट करा एंड यहाँ से फिर से स्टार्ट किया एंड जो जो अच्छा लग रहा था उसको हमने यहाँ पे जो है वो रखा है, बाकियों को कर दिया है म्यूट। तो एक बार ही मैं सुनाता हूँ कैसा ये साउंड कर रहा है। पहले सिर्फ वोकल सुनते हैं कैसे साउंड कर रहे हैं। मुझे को इतना बताए कोई कोई कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई कोई कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाई से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। तो ये जो आपने वोकल सुने हैं ये प्रोसेस्ड है एंड यहाँ पे अभी भी इन वोकल्स में प्रॉब्लम है। वोकल में ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है, मेरे अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्रॉसफेड किया है, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ सो यहाँ पे आपको एक आवाज़ आएगी। बदतमीज अब नहीं आई, एक बारी मैं और करता हूँ इसको। वोकल प्रोसेस है इसलिए पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर मैं इसको एनलार्ज करता हूँ सो यहाँ पे ना एक क्लिक की साउंड थी तो वो इसमें आ रही थी। तो हमेशा जब भी आप वोकल्स को इस टाइप से प्लेस करो सो मेक श्योर कि जो एक्स्ट्रा आपका जो यहाँ से है ना उसको आप रिमूव कर दो ऐसे। एंड ये कैसे फेड्स लगाते हैं, सो यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे, डी क्लिकिंग मोड है एंड यहाँ से आप चूज़ करोगे स्मूथ ब्लीडिंग, देन यहाँ पे आपके इस टाइप के क्रॉसफेड्स लग जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे है सो इस पे भी मैं यहाँ से क्रॉसफेड लगा सकता हूँ। अननेसेसरी जो इसमें नॉइस होगी या फिर कुछ अगर क्लिक्स आ गए होंगे सो वो हमारे रिड्यूस हो जाएंगे या फिर गायब ही हो जाएंगे। देन उसके बाद आप देख सकते हो बाकी जगह पे मैंने यूज़ करा है, यहाँ पे यूज़ करा है, इस वाले पे नहीं करा है। सो जल्दी से कर लेते हैं। अब देखो ये होता है वीडियो बनाने बैठे तो मुझे अपनी गलतियाँ पता चल गई। ऑल राइट, सो यहाँ पे हल्का सा कर देते हैं, देन इस पे भी और जूम करते हैं। कई बार ना क्लिक्स की आवाज़ आ जाती है, लाइक मैंने माउस अपना क्लिक किया रिकॉर्ड के लिए एंड वो हो जाता है कैप्चर। सो या दिस इज इट, इसको भी कर देते हैं जल्दी से। जहाँ पे वोकल नहीं है जस्ट उस सेक्शन को आपको हल्का सा रिमूव करना है एंड लास्ट में अगर सुनोगे तो लास्ट में तो सुनाई देगा आपको। पीछे हल्की सी चेयर की आवाज़ आ रही है सो यहाँ से इसको भी हम कर देते हैं रिड्यूस, कंट्रोल एस जिससे प्रोजेक्ट सेव हो जाए। सो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ और क्या यहाँ पे मैंने ऐड किया है। सो कॉर्ड्स ऑलरेडी थी मेरे पास, मैं आपको कॉर्ड्स दिखा देता हूँ। कॉर्ड्स थोड़ी सी इसमें चेंज हो रही हैं, यहाँ पे कॉर्ड पैटर्न ये है, सेकेंड पे भी ये रिपीट होता है एंड उसके बाद अगेन कॉर्ड पैटर्न हो जाता है चेंज, थोड़ी सी कॉर्ड्स चेंज हो रही हैं बेसिकली। एंड अगर उसके आगे देखते हैं सो अगेन यही रिपीट हो रहा है, सेम कॉर्ड पैटर्न है। उसके बाद आई गेस यहाँ पे कॉर्ड पैटर्न, हाँ जी अगेन चेंज हो गया है। सो इस टाइप का है ये कॉर्ड पैटर्न है एंड यहाँ पे जो मैंने यूज़ करा है प्रीसेट या फिर प्लग इन, पहले साउंड सुनते हैं।
यहाँ पे मैंने यूज़ करा है नेक्सस, नो डाउट नेक्सस बहुत ही इजी है यहाँ पे, नेक्सस ग्रैंड पियानो सॉफ्ट, इस प्रीसेट को मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ पियानो के लिए। देन उसके बाद नीचे स्ट्रिंग्स हैं बट ये गिटार हैं आई गेस, नहीं ये स्ट्रिंग्स ही हैं, तो गिटार कहाँ गए, गिटार भी कहीं मैंने ऐड करे थे, ऑलराइट गिटार्स यहाँ पे हैं। सो ये हैं स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स के लिए आई गेस मैंने फिर से नेक्सस ही यूज़ करा होगा। एंड ये जो कॉर्ड पैटर्न है ना, ये मैंने फॉलो करा है जो ऊपर अभी मैंने आपको कॉर्ड्स दिखाई थी पियानो की। इसमें देखते हैं कौन सी प्लगइन है, अगेन नेक्सस, प्रीसेट का नाम आप देख सकते हो फ्लाइंग डेविल स्ट्रिंग, कुछ इस टाइप की साउंड करती है। जब भी हमें कुछ चीज़ जल्दी बनानी होती है देन नेक्सस इज माय गो टू प्लगइन। देन उसके बाद आगे चलते हैं, सो आगे यहाँ पे मैंने यूज़ करा है, ये वोकल ट्रिक्स आप देख सकते हो, ये वोकल वाली वीडियो में मैं बताऊंगा वैसे। देन यहाँ पे है सब, सब क्रिएट करिए, अगेन बेस नोट्स हैं, ये मैंने 3x ऑसिलेटर यूज़ करा है इसमें। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक चीज़, हेडफोन लगाओगे तभी सुनाई देगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बेस है हमारी आई मीन जो ये सब है वो थोड़ी सी ग्रॉस बीट कुछ टाइप का लगा है, वो साइड चेन हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मैंने इसकी एक ऑटोमेशन बनाई है जो स्टार्टिंग में कुछ भी यहाँ पे साइड चेन नहीं हो रहा है, बट जैसे ही किक आती है सो वो साइड चेन होने लगती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको यहाँ से कटते हैं और ये रही इसकी ऑटोमेशन, नहीं ये रही इसकी ऑटोमेशन, सो मैं यहाँ से लेके चलता हूँ, कोई ऑटोमेशन नहीं है। देन उसके बाद यहाँ से किक आई, सो आप देख सकते हो किक स्टार्ट ऐड हो गया है यहाँ से ऑटोमेशन के थ्रू, एंड वो साइड चेन होना शुरू हो गया है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड करी हैं टाइनी क्लैप्स, सॉरी स्नैप। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ मैंने फिल्स ऐड करे हैं, ये जो पैन हो रहे थे ना ये मेरे को काफ़ी अच्छे लगे हैं। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ करी है क्लैप, स्टेडियम क्लैप है ये। देन उसके बाद राइड, देन यहाँ पे यूज़ करा है मैंने किक, आप किक को सुन सकते हो, किक में बिल्कुल भी अटैक आपको नहीं है सच लगेगा, बिल्कुल ही इसका मैंने जो अटैक है वो काट रखा है, ट्रांजिएंट जो बेसिकली है वो काट रखा है, ये है किक एंड ये है ट्रांजिएंट मास्टर। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने काफ़ी बार देखा होगा प्लगइन के थ्रू ट्रांजिएंट मास्टर के थ्रू जो है हम ट्रांजिएंट को ऐड करते हैं, बट यहाँ पे मैंने रिमूव करा है, सो डिपेंड करता है आप क्या चीज़ करना चाहते हो। सो यहाँ पे इस टाइप का फील था, सो मैंने ये यहाँ पे ऐड किया है। देन उसके बाद यहाँ पे है प्लग्स, अगेन जो प्लग्स हैं वो मेन जो हमारा पैटर्न है आई मीन जो सॉरी कॉर्ड्स हैं उसी को फॉलो कर रही हैं, सुनते हैं। आप देख सकते हो बेसिक है, यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ इसमें नहीं किया है। देन उसके बाद यहाँ पे है स्नेयर्स, ऑल राइट, सो ये है स्नेयर्स, सेम पैटर्न है, प्लग को फॉलो कर रहा है, सुनते हैं। आप सुन सकते हो इसकी जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है, थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ, एंड हल्का सा यहाँ पे मैंने रोल डाला है, रोल क्या सिर्फ जो नोट्स हैं वो ऐड करे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे अगेन मैंने एक और प्लग्स डाली हैं जो कि नेक्सस से हैं, आई थिंक यूके पाइक्स इसका प्रीसेट होगा, हाँ जी। देन उसके बाद यहां पे ऐड करी है आर्प, एंड इस आर्प में क्या है, यहां से जो है ना ये ग्रेजुअली जो है आ रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो मेन आर्प है वो आ रही है हमारे इस सेक्शन पे, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, ये है ऑटोमेशन। देन यहां पे कुछ मैंने ड्रम लूप्स यूज करे हैं, मैंने ड्रम लूप यूज़ करे हैं दो, लेकिन इसकी जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा कम है, सो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, बट ओवरऑल थोड़ा सा एक ये फील दे रहा है। देन कुछ यहाँ पे क्रैशेज यूज़ करी हैं, फिल यूज़ करा है, यहाँ पे फिल थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मोड है यहाँ पे ऑटो, इसको रीसैम्पल कर देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो बनाने के साथ साथ अपनी मिस्टेक्स मैंने काफ़ी सारी पकड़ी हैं, सो यहाँ पे देन यूज़ करा है मैंने सब ड्रॉप, यहाँ पे स्वीप, यहाँ पे हैट्स का एक पैटर्न है लूप है। इस ट्रैक में ना मैं मिडी भी चाह रहा था लेकिन वो इतनी सूट नहीं कर रही थी, सो ये ऑफ है। देन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एक बार ही सुनते हैं विदाउट वोकल, विदाउट वोकल कैसा साउंड करता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
तो जैसा कि आप सुन सकते हो यहाँ पे काफी बेसिक यहाँ पे हमने चीजें करी हैं, कुछ भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं करा है कि काफी ज्यादा उसमें दिमाग लगाना पड़े, बहुत ही बेसिक करा है। एक मिनट की रील के लिए हमने बनाना था। सो ये है, अब मैं आपको सुनाता हूँ पूरा ट्रैक वोकल्स के साथ कैसा साउंड करता है। मुझे को इतना बताए कोई, 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 कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, कोई, कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरी, ऑल राइट गाइज। तो ये था एक छोटा सा प्रोजेक्ट, यहाँ पे हमने वोकल्स एंड कुछ यहाँ पे म्यूजिक क्रिएट करा है, बेसिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया है। एंड एक चीज़ और, अभी ये फाइनल नहीं है, विशाल इस पर करा रहा है 2-3 दिन से, ये चीज़ थोड़ा सा हटाओ, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो। सो काम अभी चल रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा था, मैंने कहा वीडियो बना के आपके लिए लेकर आते हैं। एंड जब हमने वोकल्स रिकॉर्ड करे थे तो ये म्यूजिक एज सच नहीं था, उस टाइम पे मुझे लग रहा था फ्यूचर बेस टाइप का कुछ सूट करेगा। एंड यहाँ पे मैंने फ्यूचर बेस की कॉर्ड्स भी क्रिएट करी थी, बट वो उसके बाद अच्छी नहीं लग रही थी। कुछ यहाँ पे फ्यूचर बेस टाइप से हमने करा था, मैंने बनाया था। ट्राई कर रहे थे लेकिन उसके बाद जब म्यूजिक बनाने बैठा ना वोकल्स पे, सो कुछ ये बना फ्यूचर बेस मैच नहीं कर रहा था। ऑल राइट गाइज, तो ये था मेरा प्रोजेक्ट जिसको स्पेशली क्रिएट करा है रील वीडियो के लिए। वीडियो अच्छा लगा है सो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं या फिर कुछ क्वेरीज हैं सो कमेंट सेक्शन नीचे खुला है, आप मेरे से पूछ सकते हो। एंड इसकी जो वोकल प्रोसेसिंग है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।